अभी तक के इलेक्शन कमीशन ने जो इंतज़ाम किए हैं, मैं और पूरा इलेक्शन कमीशन उनसे मुकम्मल तौर पर मुतमइन है। हमने इलेक्शन कराने के लिए तमाम मराइल जो हैं उनको बड़ी खुशअसलूबी से मुकम्मल किया, और उसका सबूत यह है कि इलेक्शन मटेरियल की तरसील बिल्कुल किसी परेशानी के या किसी गलती के बगैर हुई। उसके अलावा इलेक्शन वोटिंग टाइम पे शुरू हुई और अभी तक के हालात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर हम मुतमईन हैं। छोटी मोटे इश्यूज कहीं ना कहीं आते रहे, वो हमारी टीम्स बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उनको एड्रेस किया। अभी ज़्यादातर मुझसे जो मीडिया ने क्वेश्चन किए वो मुख्तलिफ किस्म के थे, जिनमें एक इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अपनी वर्किंग जो है वो इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग सिस्टम है, जिससे इलेक्शन के रिजल्ट्स की कंपाइलेशन पे या इलेक्शन के कंडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मुझसे पूछा गया कि 8300 पे वोटर्स जो हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जिसमें उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने 29 जनवरी से पोलिंग स्टेशन की डिटेल और सारी तफसीलात 8300 के ज़रिए प्रोवाइड कर दी थी, और हमारा डेली बेसिस पे तकरीबन 15 से 20 लाख हिट्स आ रही हैं 8300 पे, मीनिंग देयर बाय कि मेजॉरिटी वोटर्स जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन और दीगर मालूमात 8300 से हासिल कर ली। हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनके ऑफिस में ये पूरी तफसील मौजूद है और वहाँ पे वो रब्ता कर सकते हैं, और ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा हो, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम हो, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारा हो, ये तमाम बड़े परफेक्टली काम कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन वहाँ से भी उनको मिल सकती है, तो इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने खुद 3-4 दफ़ा EMCC सेंटर जो है, जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को देख रहा है, जो रिव्यू कर रहा है फील्ड में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, जो पब्लिक की कंप्लेंट्स को एड्रेस कर रहा है, मैंने विज़िट किया है, तो वो बहुत एक्टिव हैं और पब्लिक की बड़े आराम से उनके पास कंप्लेंट्स आ रही थी और वो जल्द से जल्द उनको एड्रेस कर रहे थे।